प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां हर जिले में इस वक्त मौसम के रेड अलर्ट के चलते प्रशासन मुस्तैद है, वहीं लोगों की परेशानियां अपनी जगह बनी हुई हैं। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं। इसी के चलते गलोगी पावर हाउस के पास एक पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने मार्ग से पेड़ को तो हटा दिया और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त भी कर दिया, लेकिन गलोगी धार पर लगातार मलबा और पत्थर आने से दुर्घटना का भय बना हुआ है। लोगों की शिकायत है कि इस मार्ग पर बड़े हादसे की आशंका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पर कोई काम नहीं किया गया है। मसूरी देहरादून का एकमात्र मार्ग होने के कारण स्थानीय लोग इसी मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा रखरखाव में ढील के चलते क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी पहाड़ का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसका निरीक्षण किया था और जल्द ही ट्रीटमेंट करने की घोषणा भी की थी, लेकिन एक साल बीत गया है और अब फिर बारिश का मौसम है और लोग इस मार्ग का इस्तेमाल सर पर मंडराते खतरे के साथ किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक हमको सूचना मिल गई थी, यहाँ पे एक पेड़ गिर गया था और उसके लिए हमने जेसीबी तुरंत यहाँ पे लगा दी है और मार्ग हमने सुचारू रूप से खोल दिया है। जैसे हमारी जेसीबी कंटिन्यू चल रही है, यहाँ पे यातायात के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।